राधा स्वामी जाल की दया, राधा स्वामी सहाय, सत्संग मानवता मंदिर हुशियारपुर, तारीख 13 अप्रैल 1975, शाम का वक्त, हजूर पुरनूर तनसन करम दयाल जी महाराज, शमशाह आलम मालके कुल जी के बैसाखी के शुभ अवसर पर सर्वजन, मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। अब वो रिटायर हो गया। पहले मेरा राजा था, उसको क्या अब मुझे पता है जाति सच्चाई की है।
जब तक कोई आदमी अपने मन के चक्कर से अपने आप को नहीं निकालता, वो लाख शब्द अभ्यास करे, लाख नेकी करे, उसको इस नेकी का फल उपकार का इस जन्म में या दूसरे जन्म में फल जरूर मिलेगा, मगर वो अलग और जन्म पर। आप सब लोग ये यहाँ आए हैं आवागमन के पकने के लिए आए, वो वाकई दुनिया का पैदा करने वाला एक बड़ा इंसान, उसका जिस्म है, उसका मन है, उसका आत्मा है। क्यों कहता, जब एक आदमी जागृत में मुझको मेरा ध्यान कहती मुझको बनाकर मुझसे काम लेता है और मन नहीं होता है, तो साबित हो गया ना कि उसका मन में बड़ी सारी ताकत है। तो जब तक कोई आदमी इस मन से परे नहीं जाएगा, उसका आवागमन नहीं होगा। एक तो मैं ये बात कहना था, तुम लाख बाबे फकीर के पांव धो दो, लाख इसको कपड़े दो, लाख इसके मन के मंदिर के कमरे बना दो, अगर तुम ऐसा कर्म करने से ये चाहो कि तुम आवागमन से बच जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुम गया देखो, तुम अपने लड़के को स्कूल में भेज दो, वो लड़का जो भी माँ से कहता है उसकी बात तो वो तो सुनता नहीं, वो उठी जादू करता है, कपड़े देता है, ताकि खाना ला जो तो खिलाता है गाली, क्या वो कुछ वो लड़का बन जाएगा, कुछ कुछ नहीं बन जाएगा। दुनिया ने गुरु मत तो नहीं समझा, गुरु पशु हो गए लोग। गुरु नाम है ज्ञान का, संग का, प्रवेश का। तो इसलिए मैं जो काम करता हूँ कि सच्चाई ज्ञान का वो धर्म है, और उसने हमको अपने रूप पर पैदा किया, हम धर्म है। तुम खुद सोचो, तुम अपने काम के अंत की पूर्ति करने के लिए बच्चे पैदा करने के उसको सोचते हो, जो बच्चा जो पैदा होगा ये टीबी से मरेगा या कैंसर से मरेगा या मनुष्य बनेगा या क्या बनेगा, कोई सोचता है? अपने ही स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने ही आराम के लिए करते हैं, तो हम गायब नहीं है तो कौन है? सोच लो, ये मेरा पाचन सिर्फ उनके लिए है जो सिर्फ संत मत के पैराव पा रहे, बाकी जो कुछ है ये तुम्हारा ये मर्ग है। शिव संकल्पम अस्तु, अच्छा ख्याल रखो, तुम्हारे जन्म अच्छा होगा, अच्छे साथ जाओगे, अमीरों के साथ जन्म होंगे, योगियों के साथ जन्म होंगे, ये मैं बात मान लू कि मेरे से तजर्बा किसे दिया, दया सतगुरु की। मैं देखना चाहता था कि स्वामी के पास और कबीर के पास क्या हक है कि उन्होंने सबको विराम सूफी तमाम को कारण माया रख करके अपने पंथ को उनका बताया, ये समझ नहीं आते, उनको तंग किया करता। कहते गुरु की सेवा करो, यदि मेरे में ताकत की मैंने सेवा की, सच्चे दिल से सेवा की, सोने के ताज बनाए, चांदी के रुपये बनाए, सुहासन बनाए, ये किया वो किया, भूख खाया, सब कुछ किया, मगर ये खेल नहीं। मैंने कहा कि मेरे फैक्ट्री में क्यों मैं तो गया ही और न गया मैं नागपुर में, उनको दुख नजर आया, वो कौन सा मैं था? अगर ये बात मैं नहीं कहता तुम लोगों को
तुम उस आदमी की बात को सुनकर मेरी बड़ी मान करोगे कि इतना करने वाला है जिनको अपने सिर को बचाने के लिए कनाडा गया, वहां गया, लंदन में गया, मैं तो गया। तो आप ऊंची तारी में आप इसके रुख खाते हैं और मेरी ये बेवकूफी है तो मैं इतनी ऊंची बात आपके सामने कहता हूँ, मगर मेरे गमे की ऊंची है। मैं कई दफा सोचता हूँ सिद्धि महाराज अनंत राव जी आप सब गुरु का काम करते हैं, धीरे वाल आया हुआ वो भी गुरु का काम करता है, नाम देते हो, मैं सोचता हूँ तुम्हें ये क्या करिए दिखनी क्यों मूल ले रही, मैंने दिखनी मूल ले थी, मैंने अपनी स्वयं को बचाया, मैं अपनी जान को बचाया है। जब बड़े बड़े शब्द अभ्यासी भी अपने कर्मों की वजह से मुसीबत उठा के गए तो मैं सोचता हूँ तारी को क्या करूँ, मैं कहता हूँ अरे इंसान को राम राम को रखने जाकर अपने कर्म को ठीक कर, अपनी नीयत को साफ रख, मगर नीयत को साफ रखता कौन, कोई नहीं रखता। अभ्यास मंजिल मकसूद नहीं है, मंजिल मकसूद है निर्वह निर्भय अजोर अचिंत रहना, हमें इस चीज को हासिल करना है। हर एक के लिए एक ही रास्ता नहीं है, हर एक आदमी के लिए एक ही रास्ता नहीं है। हम प्रचंडी मेरे लिए अवरा मेरे भाई को साधवी जमात में नाम दे दिया, गया करके आ गया नाम लेने के लिए, उसको नाम दे दिया, कह दिया जपना नहीं तुमने, क्या करना किसी उम्र आएगी अपने आप मेरी गोद में आ जाएगा, तेरे वास्ते है लाइफ मीन वर्थ एंड वर्थ मीन लाइफ। 24 घंटे में 16 घंटे काम करो, 6 घंटे तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम गुरु या साधा के लिए, मेरी और चीज को ये हुक्म था जो तुमको एक ताना दे उसको 16 ताने सुनाओ, आए बकरी चलनी सुनो। कुबेरनाथ यहाँ आया हुआ दादा दादा शिष्य, उसको हुक्म था कि जिस काम के पहले में तुम्हें उलझन आए मुसीबत तकलीफ आए समझ लो कि वो काम तुम्हारा बदले, ये गुरु मत, वो जो गुरु मत है ये दो चीज होता है, एक हेल्थ डिपार्टमेंट और एक अस्पताल। हेल्थ डिपार्टमेंट में तो वो बात की जाती है जिससे एपिडेमिक वबाई बीमारी फैले ना, और जब फैल जाती है बीमार हो जाता है तो फिर अस्पताल में टीके लगते हैं कटते हैं ये होता है वो होता है। इस बात से हुक्म यही है गुरु जो कहें तो हित कर मान, गुरु जो कहें तो जित कर जान, जो गुरु कहता है उसको मानो। अब मेरे छोटे भाई ने जो नैन मैट्रिक था दादा के हुक्म को माना, चाहे तो महेंद्र अभी रेलवे होके रिटायर हुआ, 2500 तनखा लेता था, राय साहब का पता था। ये जो हम सत्संग कराते हैं ये पखंड का जाल है, कुछ रुपया इकट्ठा करने के लिए, बात सच्ची कहता हूँ वो झूठ नहीं बोलता। मैं भी इस गलत से खाली नहीं, 92 साल की उम्र में बाहर जाया करता हूँ, साफ पहले करता हूँ भाई, कुछ अपना बड़ा अदा करता हूँ, कुछ मानता मंगल के लिए 4 पैसे लेके आता हूँ, कुछ परेशान करता हूँ ना भैया जी भैया, तो मैं तंग ही होता हूँ, सब कहते हैं कुछ होता हूँ, कुछ परेशान है मेरा तो इसीलिए। बाकी दुनिया की बातें हैं वो आपको दूसरे महात्मा जहाँ आए हुए हैं वो कहेंगे, पहले उसको टाइम दे दो, क्या नाम है रजीश जी को, रजीश जी मुझे आप बजट की मुझे जाने का दुख है, मगर
जो आया उसने तेरे बहना है, मैं तेरे हाथ को मैं कुछ नहीं हूँ। हम कैसे कहा से आए हैं, जिसके ऊपर लड़किया वो जानता है, वो साफ रहना मुसलमान एक जो एजुकेशन का मैं चलता मर गया, उसका नाम क्या भूल गया मैं, वो कह दिया गांधी के साथ क्या नाम था, हाँ अब्दुल कलाम आजाद, वो लिखता है कि मेरी भी बीवी बीमार थी, हवाई में बाहर कहता है मर गई, तो मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया जब मैं जाता नेहरू के पास क्या खाने में मिलते, तो मैं गिरता तो मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, मगर वो कहता है कि मैं अकेला बैठता तो मैं रोया करता। हम दुनिया में खाते कुछ हैं, अमीर दुनिया हमारी कुछ और जैसा मेरा हो लक्ष्मी का भी हो खून है, कौन हाफिर कह सकता है होता, कोई विचारवान है वो है नहीं करता, जो विचारवान नहीं है वो है तो अब मैं कहता हूँ जिनकी अब जन क्या उसे बताओ चार कट बस अब आप झंडा वो बोल रही तो बाकी ये मोहन जी से बहुत लोगों किसी मेरे साथ आई है मोहन साहब को बोलो तो वो कहे, तो मैं ये चाहता हूँ ये कहें मगे कितने हजार दूर रखें इसलिए बताता हूँ कि अगर मैंने गलती खाई है तो ये मेरी गलती बता रहे हैं दुनिया को, तो मैं हर हूँ
जानगी थी मैं ना लगी थी अनुसार निकट जग मैं ना लगी थी अनुसार निकट जग मैं ना नाम बोली नाम बोली नाम चली नाम बोली नाम चली और दुपट्टा Thank you.
लाने का बहाना मर कर भी जब तू मर न सके, मर कर भी कभी और है, मर कर भी जब मर न सके तो समझो समझो क्या क्या समझा है। और मर कर कभी मुर्दे को पड़ा यहां आना, मर कर कभी मुर्दे को, मर कर एक ही ख्वाहिश में, एक ही ख्वाहिश ने क्या तासीर की और मुर्दे को जिंदा कर दिया। एक ही ख्वाहिश ने जब मुर्दे को जिंदा कर दिया तो सब है और तेरे असर मुर्दे को पड़ा यहां आना। जब एक ही ख्वाहिश ने मुर्दे को जिंदा कर दिया तो ख्वाहिशों के पुतलों का भला क्या ठिकाना। जब एक ही ख्वाहिश ने मुर्दे को जिंदा कर दिया तो ख्वाहिश के पुतले को पुतले का भला क्या है ठिकाना। जब एक ही ख्वाहिश ने और पीरे मुगा गाने बहुत गाए मगर मौज मालिक का आखिर पसंद आया गाना। हर कोई इधर भी आ रहा हूं पर उम्र बीत गई सारी ते लख दिल दास्तों से गईया। पर उम्र बीत गई सारी पर उम्र बीत गई सारी ते लख जिल्दा टूट गईया। ते मतलब दी जब गल असी पुछिए ते अगों गल्लां सुनाउंदे पईआं। मतलब दी जब गल असी पुछिए ते अगों गल्लां सुनाउंदे पईआं। कलछी फिर भी जो भी दिखाने उसे लगता मूल न लिया और सजना पंड अगली न लसी हो ज्यादा तनिया। क्या कह रहा हूं रंग लाया गुरा पूरिया ने रंग लाया गुरा पूरिया ने ना हरी है भुख से नंग में रंग लाया गुरा पूरिया ने जेना हरी है भुख से नंग मेरी और चूड़ा चाड़िया सयोनी सच वाला ते पन सुती या कछ दी मांग मेरी वांग दामनी के अंदर नूर चढ़के बगा बांग दामनी दे अंदर नूर चलके ते बगैर डोर तो चली पतंग मेरी बगैर डोर तो चली जिथे नशा नाम वाला ते उथे करे की तरस से भंग तेरी जिथे इश्क पनीरी किसान हो इश्क पनीरी ते तन प्यारा इश्क पनीरी ते तन प्यारा
ਤੇ ਤਨ ਖਿਆਰਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਲਾਵੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜਵਾ ਹਾਲਤ ਬਹਾਵੀ ਤੇ ਖੂਨ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਛਲਕੀ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਬਾਤ ਦੁਆਵੀ ਅਮਲਾ ਦੇ ਜਦ ਲਗਨ ਬੂਟੇ ਤੇ ਸਾਮ ਰੱਖੀ ਥਲ ਖਾਵੀ ਅਮਲਾ ਦੇ ਜਦ ਲਗਨ ਬੂਟੇ ਸਾਮ ਰੱਖੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਮ ਰੱਖੀ ਥਲ ਖਾਵੀ ਧੀਰੇ ਮੁਗਾ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਚਲਨੇ ਵਾਲੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਆਕਰ ਬਹੁਤ ਬਾਤ ਕਰ ਲੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਆਕਰ ارے بہت بات کر لی کیا خود سے جو خود نے ملاقات کر لی سمانے میں آ کر بہت بات کر لی خود سے جو خود نے ملاقات کر لے ارے گم ہوا جو خود میں اسے ہم کہاں گم ہوا جو خود میں جو خود میں خود میں خود میں جا کر خود ہی نہ خود میں جا گھر خود ہی نہ خود میں جا خود سے خود ملے گھر خود ہی نہ خود میں جا ارے خود سے خود ملے تو بتاؤ بھلا پھر تمہیں کیسے خدا ملے مانا کہ تم کھڑا ہوا مانا کہ تو فنا ہوا مانا کہ تو فنا ہوا پر ہوا تو خواہشوں میں مانا کہ تو فنا ہوا پر ہوا تو خواہشوں میں پھر خواہشوں کی تجھ کو کیسے نہ سزا ملے پھر خواہشوں کی کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کبھی کبھی کیا کہوں ہر وقت یا میرے مالک جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ میرا یہ کام کر دیا مزدور نے میرا یہ کام کر دیا میرا یہ کام کر دیا اسی لیے مانتے ہیں کہ آپ کا کام کر دیا مندر میں جاتے ہیں سکھنا سکتے ہیں کہ بھگوان کی میرا یہ کام ہو جائے تو میں تجھے سونے کا مکھ دوں گا اے دیوی میں میرا یہ کام ہو جائے تو میں تجھ کو یہ چڑھاؤں گا آپ پرارتھنا کر رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں جا کے حکم کر رہے ہیں ارے بھاڑے کا تو کچھ سمجھ رکھا ہے چیز کچھ اور ہے عاشق نماز عشق دی پڑھ دے عاشق نماز عشق دی پڑھ دے اور جس بچ حرف نہ کوئی اور یہاں پر گنگا میں جا ہوا ہے اس چیز کا ہر ایک اپنے اپنے رفاظ پر مر رہا ہے کبھی
अभी मैं कहा करता हूँ क्या, अरे इल्जाम हम पे किस लिए इसके बुताते हैं? इल्जाम हम पे किस लिए जो झगड़ा मिला हुआ है? कोई वाहेगुरु कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है, सब कह रहे हैं। मैं कहता हूँ सबकी आशा पूरी हो रही है। जहां भी किसी का सर झुक गया वहां वो आशा ले रहे। और दादा के दरबार में आकर के ये ना समझ आई क्या कि कोई भी सिमरन जो है ये वास्तव मन को इकट्ठा करने के लिए है या कि तुम्हारी लड़ाई बनाने के लिए? तो इस समय क्या मैं कह सकता हूं बोलनी कि जितने सिमरन है खातून किसी से कर लो अपने मन को इकट्ठा, तो दूसरे का दिल क्यों दुखाते हो? दिल बदस्तावर के हजी अस्मरत, दिल बदस्तावर के हजी अस्मरत, अन हजारा काबा जख दिल देता है। अरे मस्जिद को खो दिए, मस्जिद को खो दिए और मंदिर को गिराइए, पर दिल को न तोड़िए, ये खुदा का मुकाम है। यही झगड़ा है हमारा मुसफा होने के लिए। इल्जाम हम तक किस लिए, किसके भुगतान दे रहे हैं? अरे इस घर के नहीं, हमको बताओ कहां के हैं? इस घर के हम नहीं, आशिक हैं हम जरूर, अगर इश्क कुफर है। मानते हैं क्या है वो? अरे साकार भी वही है, साकार भी वही है और निराकार भी वही। तो फिर बाहम फजूल झगड़े किनके हैं? बाहम फजूल झगड़े ये अहले जुबान के हैं। फिर क्या है? बाहम फजूल झगड़े ये अहले जुबान के हैं। वाहिद है वो क्या है? वाहिद है, वाहिद है साफ साफ। अरे नहीं उसमें इख्तलाफ, वाहिद है दास पास। फिर इख्तलाफ क्या है, फर्क क्या है? काबिले गौर, वाहिद है दास पास, नहीं उसमें इख्तलाफ। जो इख्तलाफ है वो सर्वे ब्याह के हैं, जो इख्तलाफ है वो तर्ज बिहार के हैं। ईश्वर से हो रबत ये दाहत का खत है। क्यों क्यों हम खाक के नसी वो मकीना न कहते हैं? दुनिया इस समय कौन सा घर है, कौन सा मजहब है, कौन सा इस समय कोई भी सोसाइटी है जिसमें रामायण ग्रंथ है या गीता ना पढ़ी जाती है? पढ़ी जाती है रोज पढ़ते, मगर फिर क्या गीता कहती है, कुरान कहता है? तो तुम झूठ बोलो। क्या गीता कहती है, कुरान कहता है, अंजील कहती है? और पढ़ने से फैला क्या है मेरे बच्चे? इन लोगों के पास ना करो,
सत्संगों से फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? बड़ा क्या? झूठ बड़ा, अपराध बड़ा, यही बड़ा। अरे कि रोज पढ़ते हो, पढ़ते चले जाओ मेरे नाम। अरे पढ़ना है तो दिल की किताब है, पढ़ने के लिए एक सिर्फ दिल की किताब है, मगर किसने पढ़ा? अगर वो पढ़ना ही नहीं चाहता है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता है सदियों, तो फिर क्या किया जाए? दुनियादारी की तरफ चलते हैं हम लोग, प्रार्थना कर रहे हैं क्या हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हम कहते हैं हम चाहिए, हमको चाहिए। मुसफा किस वक्त हो गया? मुसफा किसको कहते हैं? मुसफा की क्या डेफिनेशन है? सफाई की क्या डेफिनेशन है? अगर किसी बर्तन में घी है तो घी है, जौ से वो अच्छा है, गंदम से शायद वो अच्छा है, और किसी वक्त में शायद उस घी से गंदम अच्छी हो। ये वक्त वक्त की बात है। अगर तुम्हारे दिल में चाचा मेरे कहा करते थे कि बेटा मजहब में पैदा होना बरकत की बात है, तो बेटा मजहब में पैदा होना बरकत है, मगर मजहब में मरना लानत है। और तुमने करना क्या? अगर तुम्हारी बाहर की जिंदगी, अगर बाहर की जिंदगी ठीक नहीं, तुम झूठ बोलते हो जो मैं बोलता हूं, कोई भी हो तुम दूसरे को धोखा दे सकते हो, मंदिर को धोखा दे सकते हो, गुरु को धोखा दे सकते हो, खुदा को धोखा दे सकते हो, मगर वो पैदा नहीं हुआ जो अपने दिल को धोखा दे। तो मैं क्या कहा करता हूं? किसी भी ध्यान में, किसी भी ध्यान में, ध्यान से जब ध्यान होगा, किसी भी ध्यान में ध्यान से जब ध्यान होगा, तो सजनों आने जाने का ही फिर सामान हो। उनसे ध्यान होगा, फॉलो करो। अब कौन बोले अपने ही दिल आगे झूठ? कौन बोले? कौन बोले? अगर आप सच बोलते हैं, कौन बोले अब अपने ही दिल आगे झूठ हैं? अपने ही दिल से अपना, अपने ही दिल से अपना फिर चालान होगा। ये पर्व है, ये है, वहां पर छिपोने की ताकत है। चलो डरो, डरो इन कर्मों से, डरो, 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 डरो अपने ही कर्मों से, डरो। शुक्र करो कि सचले इंसान जब इंसान शुक्र होगा, जब सचले इंसान ऊपर से तो इंसान है, मगर हकीकत में कहां जाता है तुम्हारा दर्शन? कहां जाता है? जो समय जरा पिता पड़ती है, गुरु हो जाता है नहीं सब कुछ? उस समय राम राम कहां होता है? उसमें से ज्यादा स्वामी कहां होता है? मुसीबत में ही ज्यादा है अपने, मुसीबत में याद आया। मैं मानता हूं दुआ कबूल होती है। हाँ, दुआ कबूल होती है। कौन सी दुआ? कौन सी दुआ? जो दिल से होती है। मैं फिर कह रहा हूं,
दुआ कबूल होती है कौन सी दुआ जो दिल से होती है, लेकिन मुश्किल बड़ी है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। लेकिन मुश्किल यही है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, कब होती है, किस्मत तो होती है, किस्मत तो होती है जब सुवाए दुआ के और कोई नहीं होता, किस्मत तो होती है दुआ कबूल जब तुम नहीं हो। क्या कह रहा हूं, अपने विश्वास से चलो, मैं कहता हूं चलो चलो चलो, तो भगवान शिकायत न बनते, चलो। मगर अगर सारी उम्र दुआ ही मांगने में खत्म कर दी तो बस खत्म, मुझे कहना नहीं चाहिए। दादा मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, कहना तो नहीं चाहिए था, समझते हो। अरे क्या माता को पता नहीं कि बच्चे को क्या चाहिए? तुम जो दुआ मांगते हो और फिर ये भी कहते हो कि वो सर्वाधार है, साथ में प्रार्थना भी करते हो और ये भी कहते हो कि वो सर्वाधार है, क्या इसमें शत्रु का नहीं पैदा होता? मेरी बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं, अपनी गलती तस्लीम कर रहा हूं। गमत हो, चलो चलो, कहां विश्वास है, मानता हूं कि दुआ होती है कहीं कहीं, मगर मेरा दिल ये भी मानता है कि कहीं हर वक्त दुआ मांगने मांगने में ही ना मर जाए कि हमें पुत्र चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। अकीले में ना कहीं मांगने मांगने में ही देना सिलसिला खत्म हो जाए। वो जानता है सब, वो जानता है, और जिसको आप समझ रहे हैं वो भी जानता है। ओ लैला क्या मजा मुर्शिद के मैं खाने में है, एक सन्यासी थे, मुझे मस्ताना कहा करते थे, मैं उनका प्रेमी था, मुंह में दांत नहीं थे, गिलास ही डालते थे, सुबह ही जाया करते थे। वो मिर्जा मुझे याद है, क्या अल्लाह अल्लाह का मजा कहाँ है, मुर्शिद के मैं खाने में है। और फिर क्या है दुनिया के लोगों, अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैं खाने में है। अरे दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। चल करके तो देखो, किसी को ऊपर तकवा करके तो देखो, यकीन करके तो देखो, मगर जहां मैं कहता हूं यकीन करके देखो। यकीन जब करना पड़ेगा तो सजनों यकीन नहीं होगा, यकीन मुला कहता है, यकीन हुआ करता है मगर किसी की किस्मत नहीं। अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैं खाने में है। अरे दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है, वो तो सिमला अंत में तो ये अभी का लफ्ज है। क्या बंदे मरने से पहले मर जाए, वो मरना क्या है, यह अभी का वो तो सिमला अंत में तो रेडियो उकड़ा खुल गया, उकड़ा क्या खुला, मो तो खुला अंत मो तो ये उकड़ा खुल गया। अरे क्या मजा जिंदगी में है जो कि मर जाने में है।
में है, जो कि मर जाने में है, उसकी शक्ति कितनी खबर, कुछ अधिक कितनी खबर है, कुछ वो है घर जो साहेब बता, या उसका घर मस्जिद में है और कौन दिखा नहीं है, उसका घर। अरे ढूंढते वही खुदा को दर बदल, ढूंढते वही खुदा को दर बदल। कौन ढूंढते हैं जिनकी नजरों में इंसान में खुदा नहीं, जिनकी मैं क्या कह रहा हूं, अगर है शौक मिलने का, अगर है शौक मिलने का, अगर है शौक मिलने का, तजवीज बता रहा है क्या इस व्यक्ति राम के पास आ गया, अगर है शौक मिलने का तो इस व्यक्ति राम के पास आ जाकर जलाकर खुद नमाई को भस्म कर करके खाता जा, जलाकर खुद नमाई को भस्म कर करके खाता जा, न बुरका पहन छो, न बुरका पहन छो खुलका, अरे न पगड़ी बांध देखी की कहा लिए जा रहा हूं, न भूखा पैन भूखों का, न पगड़ी बांध देखी की मुसाहिब बन के क्या लेना, मुसाहिब का तो लाता जा हमेशा था, हमेशा थी, हमेशा था, हमेशा थी, न है सफलत तो तू हरदम आपस में खुद खुदा होकर खुदाई में तू रहता जा, नचा मस्जिद नचा मस्जिद न कर सजदा, नचा मस्जिद न कर सजदा, न रख रोजा, न मर भूखा, वुजू का फोड़ दे पूजा, शराबे शौक पीता जा, कहे मंजूर सुनका जी, आहा कहे मंजूर सुनका जी, और नवाला कुफ्र का मत था, क्या दूसरे का हाथ ढूंढते हुए और फिर कहते हैं कि हम सब सही हैं, अभ्यास हो जाएगा तो तुमको धोखा देता है, अभ्यास हो जाएगा जो अपने दिल को धोखा देता है, अभ्यास हो जाएगा जो दूसरे को धोखा देता है, दूसरे को धोखा फिर दिया जाता है, पहले अपने आप को धोखा दिया जाता है, इसलिए मेरे सजी है मेरे सजे, अब मेरे आगे देरियों की चले तो है ये लाज तक है समय के लिए, ये भी बता, ये भी बता, ये भी बता, तो जुदा हम सबसे रहते हैं, जुदा हम सबसे रहते हैं, इसलिए सारे कम मिला तो मेरे भी चाहता है उसके जुदा जुदा, जुदा हम सबसे रहते हैं, जिसे सारे समूरा, अरे जरा खेले से खेलते हैं, फिलहाल जिसका जीता है जरा खेले से खेलते हैं, तो मैं एक मिसाल दे दिया समझे, और मिसाल दे देते मैं बस कर मुझे क्या कृपा शक्ति आप पुलिस को इतना भेजे इसने मदद किया है, मुझे अच्छा मैं दे दूंगा, आपकी लाश कहाँ है, जहां जी परम शिक्षा हुआ इसके नीचे नहीं
मैं आपको मिसर गवर्नमेंट की बात सुना रहा हूं। इस पंच के नीचे मिल जा तो क्या आप पैदा करें मेरे साथ ये बड़ी या गवर्नमेंट से ये बात बताई जाएगी वो क्या लगा ना पैदा तो अपना अच्छा मुझे तीनों को कहा मगर किसी ने बात नहीं मानी। आप अपना बायां हाथ दीजिए बायां हाथ जिसका दिया उसने उसने अंगूठी पहना समझ रहे हो उसने अंगूठी पहना दी वो सो गया थोड़ा सा वक्त हुआ वो क्या देख रहा है उठा हाथ में धोए और देखा कि ये अंगूठी मैंने रात को कितना देखा है ये क्या देखा है सिखाई अब अंगूठी वो जो निशानी है वो उसको तजर्बत में नहीं डालती वो कह रही है कि अंगूठी ये दूसरे की दिशा निशानी है कि तुम अपने वायदे को निभाओगे यानी मेरे ख्याल को गवर्नमेंट तक पहुंचाओगे उसका दो मेरे राजा न्यून नाम था उसने अपने दुख को जाकर किया उसने दो तीन चार आदमी मिले आखिर जो कुछ मिलकर समान सूत्रा ये हुआ वो पुलिस लेकर के आए और कहते हैं कि या खुदा जिंदगी में पहला मौका है इस किस्म का वाकया हम देख रहे हैं कि रू आए और तुमको साक्षात अंगूठी पहनाए और ये अंगूठी हम जानते हैं जो उसी इलाके के लोगों की चलो वाहन के समय जाए और बातों को छोड़ो चूड़ा वगैरह जो कुछ भी को छोड़ो अब वो कब करूंगा पानी अपना पानी देते थे आखिरकार मान लो उसने माना कि मैंने कत्ल किया है और वो जमीन खोदी गई और उसने तलाश नहीं की क्योंकि वो आदमी था जिसने बताया था कहने लगे महाराज यही जो रात को मेरे सपने में आया था क्या कह रहा हूं उनको तो सजाएं हुई उनको तो सजाएं हुई जो हुई मगर सीधे मुबारक एक बात कहता है क्या जब तलक जिंदगी जब तलक जिंदगी अपने आप को ना कहा करता तब तक ऊंच और नीच का होना बहुत जब तक अरे मारा मौत ने मारा मौत क्या जो जिंदगी कर पाएगी मौत क्या जो जिंदगी मौत क्या जो जिंदगी कर पाएगी अरे ये जिंदगी ही जान लेकर जाएगी ये जिंदगी है अगर वो अब मेरा नुकसान समझो उसने तो उसको कत्ल किया था कोई हमारे साथ अगर कोई इस किस्म का कर्म करता है कर्म तो वो करता बुराई हमारे साथ करता है मुझे फॉलो करो मैं क्या कह रहा हूं बुराई वो करता है हम तो नहीं करते बुराई तो वो कर रहा है हम तो नहीं करते अगर उसकी बुराई को हम बुराई तो उसने की और सजा किसको मिल रही है हम तो नहीं देखो जी मैं इसके साथ भला करता हूं जिसने मेरे साथ बुरा किया सजा क्या है बुराई उसने की
और रात भर जलते रहे, कूदते रहे, कोई बुराई नहीं। और इसके आगे क्या कह रहा हूं, अगर कोई अभ्यास क्या है, अभ्यास क्या है जो मैं कह रहा हूं, जो मैं अपने आप को कह रहा हूं, अगर उस बुराई को जो फिर दूसरे ने आपके साथ की है, अगर आप उसको भूल नहीं सकते, तो मर करके भी उस बुराई को करने के लिए आपको जीना पड़ेगा। आप उसकी खता को, अरे खुदा खुदा किया कर, खुदा खुदा किया कर, खुदा खुदा किया कर, रात दिन खुदा के लिए खुदा खुदा किया कर, रात दिन खुदा के लिए, क्यों सना खुदा के लिए और खुदा सना के लिए। अब मेरा मतलब क्या, खता रहती जहां, खता खता कबूल रहती कहां, अरे जब आकार साथ में हो। खता रहती कहां, जब आकार साथ में हो, अता खता के लिए और खता आता, अरे सना बका के न झगड़ों में पड़ती है सूखी। अब कहेंगे बच्चे चाचा की तरफ से हो गया के खाना भी खाना, तो मोबाइल की आदत है, यहाँ पर वो भेज लाते लग गई। अच्छा मेरे मालिक की मौज, जय हो मौज मालिक, जैसे खा जाएंगे मैं आपको कथन देता हूँ कि अगर आप मेरे ऐलान में कोई भर्ती समझे तो मैं खड़े कर दो, मुझे सब कंडेम कर जाओ तो मैंने वर्ष का, मगर अपने हिमियत के पूछ मैं दावा तो करता ही, मैं तो कुछ जानता हूँ, ये सब कुछ मुझे नहीं पता, मैंने मुझे समझा ठीक है, मेरी दादा ने कहा था तालीम बने जाना, मैं जो समझा वो कह, अगर मैंने गलत कहा है तो मैं मुझे मुझे हम दादा जा रहे हैं बाबा साहब, मैं क्यों काम जा रहे, मैं वो तुम पहले के लिए गया था। अब मैं ये सब बुरा रखना।